हाय, मैं आपसे मिलना चाहती थी। दरअसल मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, नई हूँ और अभी अभी अपना कोर्स खत्म किया है मैंने। देखिए, मैं आपके बारे में पिछले एक साल से पढ़ती आ रही हूँ, इतना कुछ छपा है आपके बारे में, लेकिन मुझे लगता है ये सब कहानियां हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब से आपको पुलिस ने पकड़ा है, आप जब से अंदर बंद है, आपने तो कभी किसी से कोई बात ही नहीं की। एनीवेज, एक्चुअली मैं इसलिए और भी क्यूरियस थी क्योंकि दिल्ली में मैं एक डॉक्टर से मिली थी, डॉक्टर जुगल किशोर। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि आप डॉक्टर जुगल किशोर हाँ उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में थे। आई वॉज सरप्राइज्ड, कभी किसी ने लिखा नहीं इस बारे में। मुझे लगता है कोई बात है जो आप छिपा रहे हैं। देखिए सर, दुनिया आपके बारे में क्या कहती है आई डोंट केयर, मैं खुद जानना चाहती हूँ आपके बारे में। और वैसे भी सर, आपका इंटरव्यू मेरा पहला होगा, तो सर प्लीज आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। बाय द वे, मेरा नाम निवी है, अगर मैंने आपको पहले ना बताया हो तो। थैंक्स अ लॉट सर, बाय। हेलो, मैं जानता हूँ, बैठिए। आप आई एम सॉरी, आपकी उम्र कितनी है जी? 24? 23। छोटी हो मुझसे? हाँ। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? आपको मेरा कैसेट नहीं मिला? वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए था, मैं इम्प्रेस हो गया। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? मैं आपके बारे में लोगों को बताना चाहती थी। तुम लोगों को मेरे बारे में बताओगी, इससे तुम्हें क्या फायदा? मैं फायदे और नुकसान के लिए नहीं आई हूँ। तुम मेरे बारे में लोगों को बताओगी, इससे तुम्हें क्या फायदा है? मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा। आई वांट टू नो अबाउट यू। क्यों? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। कैसे? आपकी कहानी लोगों को बताकर। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी कोई कहानी है? ऐसा मुझे लगता है कोई कहानी है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? विश्वास भी नहीं है। तो फिर आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपका यहाँ मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ। ट्रस्ट मी, यू कैन टेल मी व्हाट एवर यू वॉन्ट। I don't mind leaving. Okay. बैठ जाओ। जुगल किशोर क्या कर रहे हैं?
डॉक्टर जुगल किशोर? ओ हाँ, उनका अपना एक क्लिनिक है एम्स में। वो मेरा रूममेट था, उसका बाप बहुत बड़ा डॉक्टर था और बेटा ऐश करता रहा। तू एक जगह बैठ नहीं सकता? मुझे जिंदगी में कुछ करना है, सारी जिंदगी डॉक्टर बनके नहीं जीना मुझे। नर्स बनेगा? आग थी मेरे अंदर, मुझे कुछ करना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। आज भी वो आग है। तुम जानती हो, किसी भी वायरस का कोई इलाज नहीं, मेरे पास इलाज है। क्या? उन दिनों मेरी लड़ाई वायरस के साथ थी, उसे जड़ से खत्म करना था। कुछ ना कुछ करता रहता था, सोचता रहता था। फिर कॉफी पियोगी? तब सोता नहीं था, नींद नहीं आती थी, कॉफी पीता था, जागा रहता था। गिलास कहाँ रखा है? बाहर रखा है, ले लो। एक रात बहुत प्यास लगी, उस रात पानी नहीं था कहीं, प्यास बहुत लगी थी, पानी नहीं था तो पिया ही नहीं। वैसे उस रात का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मेरे सो कॉल्ड क्राइम्स के साथ, पता नहीं क्यों, लेकिन आई जस्ट गॉट एन आइडिया। यू नो, वायरस जिस पे फीड करता है, कुछ तो, कोई तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, कोई लिविंग क्रीचर कुछ तो होगा जिस पर वायरस का कोई असर नहीं होता होगा। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। सर, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपने खुद चेक किया हो। ये तुम बात कैसे कर रहे हो मुझसे? और कैसे कहूं सर, मेरे पास एक आइडिया है, मैं कुछ करना चाहता हूं सर। आप जाओ करो, अकेले करूं सर? अपने साथ बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट करोगे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना बनना है तो अमेरिका चले जा।